हमारा आज का क्वेश्चन है, 5 ब्रैकेट 3x प्लस 4 माइनस 8 ब्रैकेट 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 9x माइनस 8, एंड वी नीड टू फाइंड x² माइनस 2x प्लस 1। सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब सबकी पावर डिग्री 1 है वेरिएबल की, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम सब्सिट्यूट करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 15x + 20 माइनस। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव कर देगा। -8x × 6x = 36, 40, 48x + 56। मेक श्योर ये माइनस होगा, -(+) = 9x - 8। अब हम एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी कॉन्स्टेंट्स को, मतलब न्यूमेरिकल्स को ओनली, नंबर्स को सिर्फ राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो मैं बीच में इक्वल्स को डाल देता हूँ, यहाँ पर बचा 5 15x - 48x - 9x। राइट हैंड साइड पे -8 ऑलरेडी था, -20 एंड +56। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। जो यहाँ पे प्लस था इधर शिफ्ट होके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -42। अगर इस स्टेप में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कैसे वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके रिगार्डिंग और अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28। सो x = 28 / -42। सो एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 14, यहाँ पे 21, 72, 73। सो आंसर आ गया -2/3। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इस वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में फ्रैक्शन पुट करना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो ये एक आइडेंटिटी है, a² + b² - 2ab। ए क्या है? एक्स, बी क्या है? 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, a - b² होल स्क्वायर। तो ये इस वजह से हमारा थोड़ा सा स्टेप्स आसान हो जाएंगे अगर हमें आइडेंटिटी पता है। नहीं पता तो आप डायरेक्टली पुट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, -2/3 - 1 होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, -2 - 3/3 होल स्क्वायर एंड आ गया -5/3 होल स्क्वायर। आंसर हो गया 25/9। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालें, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।